बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल देसी विलेज फूड्स। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी शनवारी बीफ कढ़ाई। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चूल्हे में आग जला देती हूँ। चूल्हे में आग जल चुकी है। एक हमने कढ़ाई ली है जिसमें हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसकी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के 2 मिनट तक हमने फ्राई कर ली है। अब हम डालेंगे 1 किलो बीफ। अच्छे से मिक्स करते हैं। 5 मिनट तक इसकी भुनाई करते हैं। बीफ डाल के 5 मिनट तक हमने फ्राई कर ली। अब हम डालेंगे 5 टमाटर। अच्छे से मिक्स करते हैं और 5 मिनट तक कवर करके पका लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स करते हैं और 2 मिनट तक इसकी भुनाई करते हैं। अच्छे से मिक्स करते हैं और कवर करके 1 घंटा पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा गोश्त गलता है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ।
घंटे तक हमने कवर करके पका लिया है। पानी भी खुश्क हो चुका है, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, साथ ही हम डालेंगे 1/2 कप दही। अच्छे से मिक्स करते हैं, तब तक पका लेते हैं जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम डालेंगे लंबाई में कटी मिर्ची और लंबाई में कटा अदरक। अच्छे से मिक्स करते हैं और 10 मिनट तक इसकी भुनाई करते हैं। अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करते हैं। और 2 मिनट तक कवर करके पका लेते हैं। हमारी आज की शनिवारी कढ़ाई की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। शनिवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी को तैयार करके हमने इसे डिश आउट कर लिया है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद है, इसको आप शेयर और लाइक करें। हमारे चैनल देसी विलेज फूड्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।